ये देखिए गाइस, यम्मी टेस्टी हेल्दी और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बेहतरीन, जो बच्चों को बहुत अच्छे से भाने वाला है। और आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बच्चे बहुत प्रेम से खाएंगे। आप इसे लंच में, डिनर में या फिर छोटे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, जो कि बहुत 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 यम्मी टेस्टी है। आप इसको आलू के मोमोज भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे मंचूरियन की तरह बनाएं अगर, तो आप मंचूरियन भी बोल सकते हैं, आलू आटा मंचूरियन। तो चलिए बनाना सीखते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, ये देखिए, हमने एक बाउल ले लिया है आटा, गेहूं का आटा नॉर्मल, जिससे हम रोटियां बनाते हैं वही, बस स्वाद के अनुसार डाल दिया है नमक। और इसको अब हम नॉर्मल पानी से डो लगाएंगे, और इसका डो सख्त रखेंगे, अच्छे से सख्त डो लगा करके तैयार कर लेंगे। गाइस, ये बहुत हेल्दी होता है, इसमें आप अपने हिसाब से बेसिस भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हम आगे बताएंगे। तो देखिए, सख्त डो लग गया है, तो इसको हम रख देंगे ढक करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। और ये देखिए, हमने कुछ आलू ले लिए हैं, और इनको हम कर लेंगे हाथ से मैश, यानी फोड़ लेंगे। देखिए गाइस, इस समय जो ये आलू थे ना हमारे, वो बहुत अच्छे से मैश हो जा रहे थे। अगर आपके ना मैश हो रहे हैं तो आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, ग्रेट करके भी। तो ये देखिए, 2 मिर्च डाल दिए हरी, और हमने एक प्याज, और ये अदरक का टुकड़ा 1/2 इंच का, तो इसको भी कट कर लिया है। एक बात और गाइस, हम इसमें आलू का बना रहे हैं, आप दालों का भी बना सकते हैं और आलू का भी बना सकते हैं। बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद है, इस वजह से हमने आलू का बनाया। तो ये देखिए, हम ले लेंगे एक टमाटर बारीक, इसे हम, इसका जो जूस है, जो रसा है, वो हम निकाल देंगे, बीज वगैरह, ये देखिए इस तरह से, नहीं तो ये हमारी स्टफिंग को गीला कर देगा। और अभी से रफली हम कट करके इसमें डाल देंगे, और हम ग्रेटर को 5 से 6 बार चलाएंगे सिर्फ, क्योंकि हमें दरदरा करना है, बिल्कुल नहीं बारीक पीसना है या बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना है। ऐसा हो कि हम अगर खाएं तो हमें मुंह में आए तो अच्छा लगे। ये देखिए, इस तरह से अभी नहीं हुआ है, अभी 2 बार और कर दिया, तो देखिए कितना अच्छे से बारीक फाइन हो गया है, बहुत बारीक भी नहीं, बहुत मोटा भी नहीं। तो इस तरह से ये देखिए, अगर आपके पास और सब्जियाँ हों जैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। ये हमने डाल दिया मसाला नमक, ये लाल मिर्च पाउडर, ये है धनिया पाउडर। और गाइस देखिए, ये मसाला नमक आपके पास ना हो तो आप सिंपल नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, हमने जो कट करके रखा था वो भी डाल देंगे, मसाले यानी प्याज लहसुन, सॉरी प्याज अदरक वगैरह। और ये डाल दिया हमने पिज़्ज़ा सीजनिंग, चाट मसाला। आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग ना हो तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे, देखिए गाइस मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड, देखिए अब इसके हम बॉल्स बना लेंगे। एक बात और, इसमें गुठलियाँ ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, जिससे कि हम स्टफिंग अपनी भरें तो ये बॉल्स को तोड़े नहीं, यानी अगर स्टफिंग में मतलब भरेंगे, अगर स्टफिंग मोटी होगी तो वो बॉल्स फोड़ सकती है। इसलिए देखिए, अब छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे इसकी, ताकि हमें बनाने में आसानी हो। तो इस तरह से हम छोटी सी बॉल्स बना करके रेडी कर लेंगे। देखिए, बहुत यम्मी है नाश्ता, कोई झंझट नहीं, कोई फ्राई करने का दिक्कत नहीं है कि नहीं पहले वो भूल, आप स्टफिंग भूनिए उसके बाद बनाइए, पहले स्टफिंग पकाइए वो करिए, वो नहीं कुछ भी। और ये देखिए, कुछ हमने टिक्कियाँ बना ली हैं, कुछ बॉल्स बना लिए हैं। तो चलिए, आप करते हैं अगली तैयारी। तो इसे मसल लेंगे, आटा हमारा हो गया है 10 मिनट रखे हुए। तो चलिए, ये हमने सूखा आटा भी रख लिया, क्योंकि उसकी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये कढ़ाई रख ली हमने अपनी पैन, इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी, और इसको रख देंगे फ्लेम पर। तो देखिए, अपने आटे के इस तरह से लोइयां तोड़ेंगे, तो इसकी हम 3 लोइयां तोड़ेंगे, क्योंकि हमारा चकला है छोटा, छोटे के हिसाब से तोड़ लेंगे। आप अपने हिसाब से तोड़ लीजिएगा उसको, बेलन से या रोलर से रोल करेंगे, बेलेंगे। और इस तरह से हम एक कुकी कटर आप ले लें, अगर हो नहीं है तो इस तरह से नॉर्मल ढक्कन सबके घर में होते हैं, इसी वजह से हमने इसको यूज़ किया है। तो देखिए, इस तरह से कट करके इसकी बॉस बना लेंगे, और इसको हम इसमें पैक कर देंगे। गाइस, अभी तो हमने इसमें आलू लिया हुआ है, आप पनीर, प्रोसेस चीज़ या कई सारी वेजिटेबल्स वो भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल थी हमने वही यूज़ कर ली। तो ये देखिए, इस तरह से बॉस बन करके तैयार हो गया है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, एक प्लेट में रख देंगे, और ये देखिए यहाँ से खुलने की कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा दबा करके प्रेस करके कर दें, क्योंकि थोड़ा सा हमने बंद किया है तो इस वजह से ऐसा है। तो इसको हम रख देंगे अलग प्लेट में, और देखिए आगे क्या करना है। तो इसी तरह से सारी हम
बना करके गोलियां तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सारे कट कर लिए हैं, और ये जो बचा हुआ है उसका फिर से हम रोल लोई बना लेंगे बेलने के लिए, और ये सारे हम इसी तरह से बना करके एकदम रेडी करेंगे। ये बहुत हेल्दी बहुत टेस्टी है। तो देखिए ये टिक्कियाँ भी इसी तरह से हम पैक करेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो सारी की सारी इसी तरह से हम बना करके रखेंगे। ये भी गाइस बहुत इजी है, बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि एक ही चीज़ है। तो बच्चे जिस तरह से खुश होके खाएं, बस हमारा उद्देश्य है बच्चों को हेल्दी और टेस्टी खाना खिलाना। तो ये देखिए इस तरह से हम ले लेंगे एक छेद वाली चलनी, क्योंकि मोटा मोटी छेद वाली यानी आटा छान चावल छानने वाली चलनी सबके यहाँ होती है इस तरह से छेद। अगर स्टीमर ना हो तो आप इस तरह से यूज़ कर लें। देखिए पानी हमारा अच्छे से बॉयल होने लगा है, तो इसमें अब हम वही ग्रीस की हुई अपनी छन्नी रख देंगे। और ये देखिए जिधर हमने बंद किया था उस साइड में हम इसे नीचे की साइड में रखेंगे इस तरह से, क्योंकि नीचे की साइड में डायरेक्ट स्टीम लगेगी तो हमारा जहाँ पर मोटा हिस्सा है वहाँ पर जल्दी से, देखिएगा जहाँ पर मोटा हिस्सा होता है वहाँ पर जल्दी से कुक हो जाएगा, इसलिए उसको नीचे रखना है। एक बात और गाइस, पहले हमने अच्छे से 5 मिनट के लिए पानी रख लिया था अच्छे से बॉयल होने, जिससे कि स्टीम अच्छे से क्रिएट हो गई थी। तो अब हम इसको रखने के बाद में स्टीम मतलब गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे, जिससे कि धीमे धीमे कुक हो। तो 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था कुक होने के लिए। तो देखिए अच्छे से कुक हो चुके हैं, और आप सब देख रहे हो कितने फूले फूले लग रहे हैं। और अब हमने खोल दिया है, ओपन कर दिया, तो देखिए श्रिंक होने लगे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से कुक हो चुके हैं, क्योंकि इनका कलर डार्क हो गया है, ठीक है, इस वजह से। तो देखिए इस तरह से अब हम निकाल कर रख लेंगे अलग, और इसी तरह से दूसरे भी हम बना करके रख लेंगे दूसरे बैच के। तो गाइस ये बहुत यम्मी लगते हैं बच्चों के लिए, बहुत हेल्दी हैं, और जो डाइट फॉलो करते हैं ना वो तो इससे और हेल्दी तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑयल की मात्रा बिल्कुल थोड़ी सी है यूज़ करी हुई है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए ये हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं, तो इनका बनाते हैं एक तड़का, जिससे कि ये देखने में लुकिंग में थोड़ा सा और यम्मी बन जाए। तो ये देखिए जो गोल गोल वाले थे इनको हमने थोड़ा सा ऐसे कट लगा दिया है, जिससे कि इनकी शेप इस तरह से बन के हो गई है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, तड़का बनाएंगे और तड़के में डाल देंगे। तो चलिए बनाते हैं तड़का। गाइस एक बात और, इसे मंचूरियन की तरह अगर बनाना चाहें तो मंचूरियन की तरह भी बना सकते हैं, हमने बिल्कुल सिंपल बताया है आपको। तो ये देखिए राई और ले लिया है हमने ज़ीरा, जिसका हमने तड़का बनाया है, और इसमें ये हम डाल देंगे, देख सकते हैं आपके पास अगर। ये देखिए गाइस तड़के में अब इसको अच्छे से ऐसे हिलाते हुए इसको घुमा देंगे, जिसकी वजह से ये हमारा लुकिंग में अच्छा लगने लगेगा, दिखेगा अच्छे से हमारा। तो चलिए अच्छे से हम इसे सर्व करते हैं चल के, क्योंकि ये हमारे बन करके तैयार हैं, हमारे बच्चों के और हमारी पूरी फैमिली के ऑल टाइम फेवरेट ये हैं। क्योंकि आज तो हमने बच्चों के फेवरेट बनाए हैं आलू भरकर, जब बड़ों के लिए बड़ों के फेवरेट बनाते हैं ना, तो उसमें सब्जियाँ वगैरह जैसे बंद गोभी है गोभी वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि इसमें मैदे के भी इस्तेमाल नहीं है, और ये हेल्दी भी है, कम तेल में बनकर तैयार होता है। तो यही नाश्ता हमारा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और गाइस ये बच्चों की फेवरेट हमने चटनी रखी हुई है यानी टमाटर केचप, तो हमने बच्चों के लिए बनाए हैं, तो बच्चों के हिसाब से ही हमने सर्व किया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।